अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय अरीब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान सा होममेड चटपटा नूडल्स का टेस्ट मेकर। तो आपको पता ही होगा, जो हम मार्केट से मैगी नूडल्स लेके आते हैं उसके अंदर मसाला बहुत ही कम होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम घर पे बिल्कुल उसी सेम टेस्ट में मसाला बनाएं और सेव करके रखें, ताकि जब भी हम मैगी बनाएं उसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला डालें, वो एक्स्ट्रा स्पाइसी बने और एक्स्ट्रा मज़ेदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर का जार ले लिया, उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर। यहाँ पर आपने हर चीज़ पाउडर ही यूज़ करनी है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर डालने के बाद इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून अनियन पाउडर, प्याज का पाउडर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसके बाद इसके अंदर जाएंगी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आप ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्पाइस में रखा है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1/4 टीस्पून टार्टरी सिट्रिक एसिड, 1/4 टीस्पून जाएगा, ये ज़रा सा ही डालना है क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें वरना मत डालें। इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। उसके बाद इसके अंदर आएगी 1 टीस्पून चीनी, चीनी आपने यहाँ पर कम ही रखनी है, 1 टीस्पून सही रहेगी। इसके बाद इसको हम बंद कर लेंगे और अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे जब तक कि पाउडर बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना होगा हमें इसको। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल ग्राइंडर में अच्छे से चला लिया था। इसके बाद ये देख सकते हैं आप इसका कलर पर मत जाइएगा, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है उस मैगी मसाले से, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये बहुत ही और सिंपल सी आसान सी रेसिपी थी। इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डाल लेता हूँ सारे मसाले को अपने, और इसको हम एयर टाइट कंटेनर में 2 महीने के लिए रख सकते हैं। आप ऐसे ही कहीं भी रख दीजिएगा, ये आसानी से रह जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी वीडियोज़ कैसे ही देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।